एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो ये पार्ट टू है वृंदावन ब्लॉग का। अभी हम आ चुके हैं सुबह सुबह पहले मंदिर। तो ये है सबसे पहला मंदिर, कांच का मंदिर है। क्योंकि इसकी यही खूबी है कि ये कांच से बना हुआ है अंदर। और बने रहिए ब्लॉग में आखिरी तक। तो मंदिर के बाहर ही भैया जो हैं चुन्नी बेच रहे हैं 100 रुपये में। बहुत ही अच्छी चुन्नियाँ लग रही हैं, ठीक है। एक दीदी ने वो खरीद भी लिया, वाइट वाइट से पहन के जा रहे हैं। एक ये रही, एक भैया और दिखा रहे हैं। ये देखो येलो कलर में एक और है, देख सकते हैं। आंटी अंकल लोग सब पीछे बैठे हैं। ऑटो में हम 12 जने हैं, तो आंटी को पीछे बिठाया गया। आंटी कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा लग रही होगी अच्छी अच्छी, वृंदावन की हवा, वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। डर भी लग रहा है, जाड़ा लग रहा है। बाकी ये सब ऑटो में अंदर बैठे हैं। दूसरे मंदिर भी हम पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से माता के लिए जो भी प्रसाद और थाली होती है वो ले रहे हैं। एक भैया दे दो, छोटी वाली दे दो एक। हाँ। कितने की है? 130। 100 रुपए वाली नहीं है वो, ना दीपक और प्रसाद नहीं आएगा। 20 की चुन्नी है, 30 का नारियल है, 50 का सिंगार है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अंदर वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक ही बनाऊंगी। अलाउड नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये रही थाली जिसमें एक माता का श्रृंगार है और एक नारियल, बाकी दिया और प्रसाद सौंफ मिश्री का, सॉरी मिश्री का। तो अंदर जो माता का नाम है वो क्या है मामी? कत्यानी माँ कुछ ऐसे करके नाम है। तो चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जो ये तीसरा मंदिर है, यहाँ पे एक्चुअली बंदर बहुत है, तो मैं वीडियो कम बना रही हूँ। और ये जो सोने का खम्भा है, इस मंदिर की स्पेशलिटी यही है कि जो सोने का खम्भा है ये यहाँ पर स्थित है। और भीड़ देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो चलते हैं, इस मंदिर से भी बहुत लेट हो रहे हैं, नहीं तो मेन द्वार जो है वो बंद हो जाएंगे बाकी बिहारी मंदिर के। तो ये मंदिर की चोटी है जिसमें ऊपर देख सकते हैं आप, साथ कुछ सोने के बने हुए हैं। और ये देख सकते हैं बाकी यहाँ का ऐसा व्यू है। बहुत पुरानी पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, सब कुछ बहुत पुराना है सब यहाँ पर। एक और जगह दिखी है जहाँ पे बीच में बिल्कुल ही पानी पानी तालाब है। पता नहीं इसकी कहानी क्या है, बट मुझे देख के लग रहा है कि ये स्नान वाला कोई जगह है जहाँ पे स्नान करते थे। और मामी सिक्का डाल रही है इसमें। चलो मेरी बारी है, मैं भी डालती हूँ एक सिक्का। सीधा गया तालाब, एक विश मांगनी थी वो तो मांग ही लिया। चलो ये चलो चलते हैं आगे को, लेट हो रहा है। तीसरे मंदिर जाने के लिए हमने फूल ले लिए हैं। और इस मंदिर का नाम देख सकते हैं, विष्णु प्रिया मंदिर। वैसे तो ये मंदिर राधा रामलीला वाला कुछ ऐसे है ना, बता दो। ये है राधा रमण मंदिर। जा रहे हैं जिसके लिए मुझे बहुत वेट था, तो हम निधि वन जा रहे हैं। ये है एंट्रेंस गेट निधि वन का, और इसके साथ में देख सकते हैं रंग ले रहे हो, तो हम यहाँ रंग ले रही है उड़ाने के लिए। तो ये है ऐसा निधि वन, ये देख सकते हैं। तो आज तक निधि वन के बारे में सिर्फ मैंने YouTube में समझा था, सुना था, और आज फाइनली मैं
निधिवन आ चुकी हूँ और निधिवन को अपनी आंखों के सामने से देख रही हूँ। तो इसकी मुझे बहुत छोटी सी स्टोरी पता है जो मैंने यूट्यूब पे देखी है, वो ये है कि यहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद राधा कृष्ण का रास होता है और यहाँ पे कोई देख नहीं सकता है। ये वो वाली जगह है जहाँ रास होता है। तो जिन्होंने मन्नत मांगनी होती है इस पेड़ पे धागा भी बांधते हैं। ये जय श्री राधे, राधे राधे। तो जैसे कि आपने देखा कि निधिवन हम घूम के आ चुके हैं। निधिवन बहुत ज्यादा प्यारी जगह थी, मेरी मतलब इच्छा थी कि मैं निधिवन एक बार ही जाऊँ, वहाँ पे देखूँ क्या क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लूँ। तो निधिवन मैं घूम के आ चुकी हूँ। मैंने आपको भी ज्यादा दिखाई नहीं वीडियोस क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, कैप्चर करी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो बने रहिए ब्लॉग में आगे तक। निधिवन की एक अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि वहाँ पे राधा रानी का रास होता है रात को, बट लेकिन 7 बजे के बाद वहाँ जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ होगा पुराने टाइम का, चीज़ की अंदर जाना अलाउड नहीं है, देखना अलाउड नहीं है। कान्हा जी जाने